गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 9 ऑफ जीके, लाइफ स्किल, इंस्पायरिंग वर्ड्स, प्रेरक शब्द रतन टाटा। किसके द्वारा दिए गए हैं ये शब्द? रतन टाटा के द्वारा। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे लेसन में। रतन नावल टाटा इज एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर, फिलान्थ्रोपिस्ट एंड ए फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। रतन टाटा कौन है? वो एक भारतीय उद्योगपति हैं, निवेशक हैं, समाज सेवी हैं एंड अ फॉर्मर चेयरमैन और भूतपूर्व चेयरमैन हैं टाटा सन्स के। टाटा सन्स मीन्स इस कंपनी में उन्होंने वर्क किया है एज ए फॉर्मर चेयरमैन में। ही इज द रिसिपियंट ऑफ टू हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया, और रिसिपियंट्स होते हैं उन्हें दिए गए हैं, ऑफ टू हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड उन्हें दिए गए हैं या उन्हें मिला है। कौन कौन से हैं वे? पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। पद्म विभूषण उन्हें 2008 में मिला और पद्म भूषण 2000 में। लर्न व्हाट ही सेड ड्यूरिंग अ स्पीच एट स्कूल। उन्होंने स्कूल में एक स्पीच के दौरान क्या कहा? 10 थिंग्स आर नॉट टॉट टू स्टूडेंट्स इन स्कूल और कॉलेज। 10 ऐसी थिंग्स हैं, चीजें हैं जो विद्यार्थियों को स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। द फर्स्ट इज गेट यूज्ड टू अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में जो अप्स एंड डाउन्स हैं, मीन्स उतार और चढ़ाव आते हैं, उनका स्कूल में अभ्यास नहीं कराया जाता। इन लाइफ, जीवन में थिंग्स आर नेवर ऑलवेज गुड और ऑलवेज बैड। और जीवन में वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो हमेशा के लिए ना तो अच्छी होती और ना ही बुरी होती हैं। लर्न टू गो विद द फ्लो। हमें एक फ्लो के साथ, यानि कि एक बहाव के साथ चलते रहना होता है और सीखना होता है। एंड मेक द बेस्ट ऑफ एनी सिचुएशन, और प्रत्येक स्थिति में अच्छा करके दिखाना होता है। द सेकेंड इज पीपल रिस्पेक्ट यू मोर। लोग आपकी अधिक सम्मान करते हैं। इफ़ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यदि तुम अपने आप की रिस्पेक्ट करते हो। डू नॉट शो ऑफ, कभी शो ऑफ ना करें। बिफोर यू प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को सिद्ध करने से पहले। डू नॉट मेक द मिस्टेक बाय थिंकिंग, और यह सोचकर गलतियां न करें। दैट यू कैन गेट ए हाई पोस्ट और अटेन ओवर नाइट सक्सेस आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज, कि आप एक ऊंची, हाई पोस्ट मीन्स एक ऊंचा पद प्राप्त कर लोगे, और अटेन ओवर नाइट सक्सेस आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज, या फिर कॉलेज की ग्रेजुएशन के बाद आपको रातों रात सक्सेस मिल जाएगी। इट टेक्स ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट। इसे प्राप्त करने में, एक हाई पोस्ट को प्राप्त करने में या सक्सेस, सफलता को प्राप्त करने के लिए कठोर मेहनत और कड़े प्रयास की आवश्यकता होती है। द फोर्थ इज इफ यू थिंक योर टीचर इज स्ट्रिक्ट, स्कैरी, हार्ड एंड डेंजरस। यदि आप सोचते हो कि आपके जो टीचर हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, स्केरी मीन्स डरावने हैं, हार्ड कठोर हैं एंड डेंजरस और आपको खतरनाक लगते हैं, वेट अंटिल, इंतजार करो। यू मीट योर बॉस, जब तक कि आप अपने बॉस से नहीं मिलते। योर ओल्ड टीचर्स फील सीम पेल इन कंपैरिजन। पेल होता है फीके लगना। आपको अपने पुराने जो टीचर्स हैं, अपने बॉस की तुलना में बहुत ज़्यादा फीके लगेंगे। द फिफ्थ इज डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ फॉर योर डिफीट। अपनी हार के लिए कभी खुद को ब्लेम ना करें। जस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अपनी गलतियों से सीखें एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ें।
सिक्स इज योर पेरेंट्स वर नॉट एज बोरिंग एंड अनइमेजिनेटिव बिफोर यू वर बोर्न. आपके जो पेरेंट्स हैं वो उबाऊ नहीं थे एंड अनइमेजिनेटिव, और जो उनके ख्याल थे या फिर सपने थे उनसे भी वो बाहर नहीं थे. बिफोर यू वर बोर्न, आपके जन्म से पहले. दे मैच्योर्ड आफ्टर केयरिंग फॉर यू एंड नर्टरिंग यू. वे मैच्योर थे, परिपक्व थे आपकी देखभाल के लिए भी और पालन पोषण के लिए भी. कंसोलेशन प्राइज आर ओनली इन स्कूल्स. अब सेवन पॉइंट्स में वो क्या कह रहा है कि जो सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है वो केवल स्कूल्स में ही दिया, स्कूल्स में होता है. इन रियलिटी, वास्तव में द रूल्स आर डिफरेंट फॉर दोज हु फेल. जो फेल हो जाते हैं वास्तविक जीवन में उनके लिए नियम बिल्कुल अलग होते हैं. देर आर नो सेकेंड चांस फॉर द लूजर्स. एक हारे हुए व्यक्ति के लिए दूसरा चांस नहीं होता. इन रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में यू डो नॉट गो गेट वैकेशन आफ्टर ए फ्यू मंथ्स ऑफ वर्क. आपको कुछ महीनों के वर्क के बाद भी वैकेशन यानी कि छुट्टियां नहीं मिलती. लाइक यू डू इन स्कूल, जैसा कि स्कूल में होता है कि कुछ महीनों के वर्क के बाद बच्चों को छुट्टियां मिलती रहती हैं स्कूल्स में. यू डू नॉट गेट द लग्जरी ऑफ टीचर्स इन अडल्ट लाइफ. जब आप अडल्ट हो जाओगे, वयस्क हो जाओगे, वहाँ पर आपको जो टीचर्स हैं उनका सुख नहीं मिलेगा. यू इट मीन्स जब आप कॉलेज लाइफ में जाओगे तो आपको इतनी केयरिंग टीचर नहीं मिलेंगे. यू हैव टू रिले ऑन योर सेल्फ. आपको अपने आप पर रिले ऑन होता है भरोसा करना, आपको अपने आप पर भरोसा करना है. एंड टीच योर सेल्फ, और स्वयं से सीखना है और या फिर स्वयं पढ़ना है. वट इज शोन ऑन टी वी इज नॉट द रियलिटी ऑफ लाइफ. टी वी पर जो दिखाया जाता है वह वास्तविक जीवन नहीं है. इन रियलिटी, वास्तव में देर इज वर्क एंड ओनली वर्क. जीवन में केवल काम काम और केवल काम है. स्टडी कंस्टेंटली, लगातार अध्ययन करो या पढ़ो. एंड वर्क हार्ड, और मेहनत करो. डो नॉट टीज योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को कभी टीज यानि कि चिढ़ाओ मत. देयर मे कम ए टाइम, एक समय होगा दैट यू हैव टू वर्क अंडर देम, जब आप उनके अंडर में वर्क करोगे. डियर फ्रेंड्स, रीड दीज इंस्पायरिंग वर्ड्स केयरफुली. दैट इज spoken by Ratan Tata at a school speech. And learn also, and also search the inspiring words of another famous persons with the help of Google. This is your today's work, and learn all the inspiring words that we have read. Thank you.